कलंदर कच्ची बस्ती वार्ड नंबर 8 में रहने वाले लोगों को अपनी प्रतिदिन की जिंदगी व्यक्त करने के लिए बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कलंदर कच्ची बस्ती में रहने वाले लोगों के पास खुद की आवास नहीं है, वो टेंट में तंबू लगाकर अपना जीवन व्यक्त कर रहे हैं और ना ही पीने के पानी की कोई ढंग की व्यवस्था है। कलंदर कच्ची बस्ती के पास एक ट्यूबवेल लगा है जो की पिछले 6 महीनों से बंद है। आने जाने के लिए लोग कच्चे रास्तों का उपयोग करते हैं जो की पानी भर जाने व पक्के न होने की वजह से बहुत बुरी हालत में है, जिसकी वजह से लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। घरों में शौचालय नहीं है जिसकी वजह से लोगों को खुले में शौच करने जाना पड़ता है, जिसके कारण फैलने वाली बीमारियों का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। 21वीं सदी के इस युग में लोग आदिवासियों जैसे जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। पानी, सड़क, बिजली जैसी चीजों की पहुंच से भी ये लोग को सुदूर है। अतः आपसे निवेदन है कि कलंदर कच्ची बस्ती वार्ड नंबर 8 में रहने वाले लोगों की समस्याओं को जल्द दूर करने का उपाय करें और इनके लिए रहने के लिए भूमि आवंटन के साथ साथ पक्के आवास दिए जाएं। जो अभी तक बिल्कुल आदिवासियों की तरह जीवन जी रहे हैं, ना लाइट है, ना पानी है, ना घर है, रहे हैं। ये वहाँ के बाशिंदे हैं, मुझे वहाँ के बाशिंदे। ये घुमंतू से पानी भरा हुआ है, ये बस्ती घुमंतू समाज की मिशन के पहले भालू का सेल तमाशा करती थी, उन लोगों की जीवन हमने और भारत लगता रोड की कोई सुविधा नहीं, पानी की कोई सुविधा नहीं है। अभी भी लोग सेल तमाशा करने की तरफ से बाहर जाते हैं। नाम बताइए अपना। मोहम्मद हामिद। किस तरह की मांग लेकर आए हैं आज? हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं आज मांग लेके, जिस वार्डों में परेशानी है नल की, बिजली की और गंदगी हो रही है, नालियां नहीं बन रही हैं, इसलिए कलेक्टर साहब के पास आए हैं। और अभी फिलहाल कलंदर बस्ती बहिर वार्ड नंबर 8 की समस्या लेकर आए हैं। जो लोग अभी जीवन यापन कर रहे हैं टेंट तंबू में, तो इसलिए हम मांग करने आएंगे उन्हें आवाज़ दिया जाए, आवास योजना का लाभ दिया जाए और बिजली उपलब्ध कराई जाए। अभी पानी भर रहा है वहाँ पे, तो तुरंत वहाँ जीगरे डलवाया जाए। मेरा नाम इमदाद खान है। किस तरह का ज्ञापन देना है आज, क्या मांग लेकर आई है एसडीपीआई टॉक में लंच होने के बाद? आज हम लोग पूरे हमारी कार्यकारिणी टीम अभी कुछ टाइम पहले एक अपने बहिर में कलंदर बस्ती है वहाँ लोग हम गए, वहाँ पे जाके देखा हमारे लोगों ने कि कलंदर बस्ती में हम लोग गए थे, वहाँ पे हमने देखा जाके कि आज भी टोंक में आदिवासियों की तरह जीवन व्यतीत हो रहा है। वहाँ पे कलंदर बस्ती में हमारे कुछ भाई लोग हैं जो 80 परिवार हैं वहाँ पे, जो आज भी देर तंबू डाल कर रह रहे हैं। ना वहाँ लाइट की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना रोड की व्यवस्था है, ना मकान की व्यवस्था है। तो हम लोगों ने वहाँ जाके देखा, काफ़ी दिल तकलीफ हुई हम लोगों को जब देखा कि हमारे भाई लोग इस हालत में, अभी भी टोंक इतना विकसित कहा जाता है उसके बावजूद वो ऐसी हालत में रह रहे हैं। तो आज हम कलेक्टर साहब के यहाँ पूरी टीम हमारी एसडीपीआई की आई है, क्योंकि एसडीपीआई हर मजलूम के साथ है। जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हमारी पूरी टीम वहाँ उनका साथ देने पहुँचेगी और उनके लिए आवाज़ उठाएगी। तो आज कलेक्टर साहब के पास भी हमारा आने का यही मकसद है कि ये कलंदर बस्ती है वहाँ जो भी व्यवस्थाएँ नहीं है वो व्यवस्थाएँ वहाँ कराई जाएँ, पानी की, बिजली की और रोड की व्यवस्थाएँ जल्द से जल्द कराए जाएँ। बारिश में अभी हम गए थे जब देखा कि वहाँ चलने के हालात नहीं है, रोड बिल्कुल कच्चे हैं, पानी भरा हुआ है। तो कलेक्टर साहब से अभी ये भी कहना है हमें कि अर्जेंट में वहाँ पे जीतरा डलवाया जाए। कलंदर बस्ती के हमारे कुछ लोग भाई भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी आए हैं इस बात को कहने के लिए कलेक्टर साहब को। और टोंक में कई बस्ती हैं,